बाबा मुक्तानंद ने कर्मों के फल की एक कथा सुनाई है। एक बार की बात है, एक महान संत थे। एक दिन वे भ्रमण करते हुए एक गृहस्थ किसान के घर पहुंचे। संतों की परंपरा के विपरीत उन्होंने उस किसान के यहाँ रात्रि विश्राम किया। संतों को गृहस्थ के घर रात्रि विश्राम नहीं करना चाहिए। जब यह संत किसान के घर में विश्राम कर रहे थे, तब किसान की पत्नी उनके पास आई और उनसे बोली कि उसे उनसे प्यार हो गया है। यह सुनकर संत डर गए। उन्होंने किसान की पत्नी से कहा कि उसका पति अभी जीवित है और वे उससे प्रेम नहीं कर सकते। यह जवाब सुनकर किसान की पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। फिर वह संत के पास गई और उन्हें बताया कि अब उसका पति जीवित नहीं है और अब कोई समस्या नहीं है। यह सुनकर संत और डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। क्या होगा, यह सोचकर किसान की पत्नी घबरा गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि संत उसकी इज्जत लूटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके पति को मार डाला। हंगामा सुनकर ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने संत को पकड़ लिया। संत की किसी ने एक नहीं सुनी। संत को राजा के पास ले जाया गया। चूंकि वह एक प्रसिद्ध संत थे, इसलिए राजा ने उन्हें मौत की सजा देने की बजाय उनके दोनों हाथों को काटने का आदेश दिया, जिनसे उन्होंने यह कार्य किया होगा। संत जगन्नाथपुरी की यात्रा पर थे। जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उनसे पूछा कि उन्हें क्यों कष्ट उठाना पड़ रहा है। उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे हाथ क्यों काटे गए? उत्तर में भगवान ने संत को पूर्व जन्म का एक दृश्य दिखाया। संत ने देखा कि वह एक स्थान पर बैठा पूजा कर रहा है। एक गाय दौड़ती हुई आई और एक रास्ते पर चली गई। पीछे पीछे एक कसाई आया। कसाई ने संत से पूछा कि गाय कहाँ गई है। संत ने दोनों हाथों से इशारा किया। कसाई गाय के पीछे दौड़ा और गाय को मार डाला। अगले जन्म में वही कसाई किसान हुआ और गाय पत्नी बनी। तो गाय ने कसाई को मार डाला, यानी पत्नी ने किसान को मार डाला। और क्योंकि पिछले जन्म में संत ने दोनों हाथों से इशारा किया था कि गाय किधर गई थी, इसलिए इस जन्म में गाय यानी पत्नी ने संत के दोनों हाथ कटवा दिए। बाबा कहते हैं कि हमारे प्रत्येक कर्म का फल रहस्यमय होता है। हम जो कुछ भी करते हैं, उसका फल हमें किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।